हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाके ही खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ थाई रेड चिकन करी। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन को छोड़ के बस वेजिटेरियन डिश भी इससे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने काट के रखे हैं। तो इस तरह से सारे वेजिटेबल्स मैंने काट के रखे हैं, उसके साथ गार्लिक भी चॉप्ड किया है, और मैंने चिकन लिया है जो छोटे छोटे पीसेस में काटा है, और इसको नमक और लाल मिर्च के साथ मैरिनेट किया है। तो इसको मैंने एक घंटा के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया है। तो चलिए तेल डालेंगे अभी, वाइट ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, तो इसको थोड़ा कलर आने तक इसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये बड़े डाइस्ड अनियन, उसके बाद गाजर जो मैंने इस तरह से पतले गोल कटे काटे हैं, तो इसको अभी मीडियम हाई पे फ्राई करेंगे। तो ये जो थाई रेड चिकन करी है इसमें सारे वेजिटेबल्स जो जाएंगे उसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ये थोड़े से क्रंची रहेंगे। उसके बाद ये लाल शिमला मिर्च मैंने डाला है, मैंने येलो लिया है वो भी डाल दिया। तो जिस भी कलर के हो आप डाल दें इसमें, तो कलर से बहुत अच्छा लगता है देखने में भी ये चिकन करी। इस तरह से हम मीडियम हाई पे इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको निकाल के रख देंगे, क्योंकि हम अगर अंत तक वेजिटेबल्स के साथ ही पकाएंगे तो वेजिटेबल्स सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी फिर से थोड़ा तेल डालेंगे सेम कढ़ाई में। उसके बाद हम डालेंगे ये थाई रेड करी पेस्ट। तो इसको अच्छे से 1 बड़े टीस्पून आप डालें, और इसको धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा कोकोनट मिल्क इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रेवी है इस करी का तो वो कोकोनट मिल्क से ही बनने वाली है। तो इस तरह से फ्राई करें। अब हम इसमें डालेंगे ये जो चिकन मैंने लाल मिर्च और नमक के साथ मैरिनेट किया था वो इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप चिकन नहीं खाते हैं तो आप ये सेम रेसिपी सिर्फ वेजिटेबल से ही बना सकते हैं। तो अभी हम डालेंगे थोड़ी सी और कोकोनट मिल्क। तो बहुत टेस्टी बनती है, और ये बिल्कुल स्टीम्ड राइस के साथ ही खाया जाता है। तो इसको कोकोनट मिल्क के साथ ही इसको भूनेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें लेमन जूस। तो हमेशा मैं फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन ही डालती हूँ, और उसके बाद मैंने इसी सेम लेमन से इसका जेस्ट निकाला था, तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है बाहर से, जो बाहर का ग्रीन पोर्शन होता है तो उसको भी डाल देंगे। अब जो मैंने ये वेजिटेबल्स फ्राई करके पहले रखा था उसको ऐड कर देंगे। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और कोकोनट मिल्क आप जितना ज़रूरत हो फिर से डालें, क्योंकि मैंने बताया है कि ग्रेवी कोकोनट मिल्क से ही बनेगी। तो इसको अभी थोड़ी सी उबलने के लिए देंगे 2-3 मिनट, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक हो गई हैं। तो अभी मैं डालूंगी इसमें पीनट बटर। तो अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है तो आप प्लेन जो बादाम है उसको भी पीस के डाल सकते हैं, उसका भी पेस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, निकाल लेते हैं। तो मेरी अगर ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पर आपको ग्रीन करी की भी आपको वो रेसिपी मिल जाएगी, तो आपको यहाँ ऊपर इसका लिंक भी मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल टेस्टी हमारी थाई रेड चिकन करी रेडी है। जितना इसका कलर बढ़िया है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।